हेलो गाइस, बहुत से बच्चों का रिजल्ट आ चुका है और बहुत से बच्चों का रिजल्ट जो है फेल दिखा रहा है। और बच्चे कह रहे हैं कि नहीं, मेरा रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, मैंने अच्छा एग्जाम दिया था, मेरा मार्क्स अच्छा था। तो आप इसके लिए एनसीटी वेबसाइट पर आके वेरिफिकेशन पे क्लिक करके अपना मार्कशीट चेक कर लीजिएगा। यहाँ तक तो कर ही सकते हैं, मार्कशीट ओपन कीजिएगा। इस पर से आपका एक नया फीचर्स आया हुआ है, रेस ए ग्रीवेंस। इसके बारे में आपको बता देंगे थोड़ा सा, जितना जानकारी अभी तक मुझे मिल पाया है उसके हिसाब से। तो ये ग्रीवेंस है जिससे अगर आपको किसी भी तरह का, पहले इसके बारे में रिजल्ट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर एंटर करेंगे और एग्जाम सिस्टम है, एनुअल है और सेमेस्टर का है। अभी वैसे 2018-20 का रिजल्ट आया है और फर्स्ट ईयर का नहीं, सेकेंड ईयर का ही सिर्फ आया हुआ है, बाकी फर्स्ट ईयर का भी नहीं आया है और ना ही 19 के फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पे सिस्टम को एनुअल कर लेंगे और हमारे मिला लेंगे, सारा सही हुआ तो फिर ईयर चूज करेंगे, ईयर चूज करके सेकेंड ईयर कर लेंगे और सर्च करेंगे। और अभी तो याद रखिएगा, आपका जो रिजल्ट आया है पूरा नहीं रिजल्ट आया है, फर्स्ट ईयर का भी नहीं आया है और 19-20 का भी नहीं आया है, 17-19 सेमेस्टर का भी नहीं आया है, जो आया वो यही है। और यहाँ पर अपना पूरा डिटेल चेक कर लीजिएगा, नाम, पिता का नाम, जितना भी जो भी डेटा है इसमें वो सारा एक बार मिला लीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि तो नहीं है नाम में या रोल नंबर में या एक बार कोई भी चीज है, वैसे रोल नंबर तो त्रुटि नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए एलिजिबल इन री अपियर, तो यस दिखा रहा, ये यस तभी दिखा है जो कोई कैंडिडेट फेल होता है। तो ये फेल है व्हाट्सएप कैलकुलेशन में और इनका दावा है कि ये पास हुआ, इनका मार्क्स अच्छा होना चाहिए था, ये पास हो सकते थे। इनके दोस्त जो है पास है तो इनका भी दावा है कि ये भी पास हो सकते थे। तो ये दावा तो कर रहे हैं, तो दावा कर रहे हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है दो ऑप्शन, रेस ए ग्रीवेंस, मार्क्स भी 250 हो चुका है, 250 में 246 आया, बहुत ही अच्छा मार्क्स है। आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट में कॉलेज में बहुत अच्छा मार्क्स दिया हुआ है, इसके लिए तो शुक्रगुजार ही होंगे, 250 में 246 आ गया है। चलिए रेस ए ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे तो इनका जो भी त्रुटि होगी यहाँ से कर, त्रुटि के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक्सेप्ट कर लीजिएगा। मतलब आपका, आपको लग रहा है कि ये मार्कशीट जो है आपका सही है, तो जो जो भी कैंडिडेट रेस ए ग्रीवेंस करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो रेस पे क्लिक करेंगे। रेस पे क्लिक करें तो आपको कुछ, आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट हम बड़ा करके लगा दे रहे हैं। तो इसमें देखिए आपको कहा जा रहा है कि अगर आप लगाते हैं तो ग्रीवेंस लगाते हैं तो 30 से 45 दिन का समय के लिए आपका रिजल्ट जो होगा होल्ड पर हो जाएगा, आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट सब होल्ड पर हो जाएगा। 30 से 45 दिन बाद जो भी होगा रिजल्ट आपको देखकर चेक करके डिक्लेयर कर दिया जाएगा फिर से, और ओके करते ही आपका सबमिट हो जाएगा, बस इतना ही काम होगा, ये ओके करते हैं ठीक है। तो ओके कर दिया तो ये सबमिट हो जाएगा, ज़्यादा कुछ काम है नहीं इसमें, आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें ओके पर क्लिक करते हैं तो आपका सबमिट हो जाएगा और कैंसिल पर क्लिक करते हैं ये कट जाएगा और सबमिट नहीं होगा। तो हम बेसिकली हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप इसके आगे ओके करके सबमिट कर सकते हैं ठीक है। और आपको जो भी त्रुटि होता है तो आप उसको ओके कर लेंगे, तो इस कैंडिडेट का वो अपना खुद करेगा तो ठीक रहेगा, और अपना ध्यान से करिएगा, करना चाहेंगे तभी करिएगा। वैसे आपको जो बच्चे फेल हो जाते हैं तो उनके लिए बता दें, जो बच्चे फेल हैं उनको लगता है चलो फेल ही हैं, तो वो उनका एग्जाम अब वो सप्लीमेंट्री में होगा, अब उनका जो होगा सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा, यानी कि बैक पेपर का एग्जाम होगा। जब तक हो जाए, अगर आप अपना अनुमान अगर अपने तरह से बताएं तो जुलाई के एंड में स्टार्ट हो सकता है और या अगस्त के फर्स्ट वीक से एग्जाम स्टार्ट हो सकता है, अगर COVID-19 नहीं रहा तो और ये सिचुएशन ठीक हो गया तो। तो अपना तैयारी कीजिए, एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए। एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए मैंने सारा वीडियोस बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप किस जिस स्टेट के हैं उसका नोट्स चाहिए प्रीवियस पेपर है तो नीचे कमेंट करके मांग सकते हैं, और जो भी चाहिए नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए, हम उसको देने की कोशिश करेंगे। और जो पास आउट कैंडिडेट है तो उनसे बताना चाहेंगे कि पास आउट है तो रेलवे का अप्रेंटिस की वैकेंसी आउट हुई है, अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। बाकी जो भी लेटेस्ट अप्रेंटिस जो भी वैकेंसी आउट होगी हम चैनल पर देते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और किसी प्रकार को भी नोटिस चाहिए, जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो इसके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।